देखिए, ये संजीव बालियान को आप देख सकते हैं और हरेंद्र मलिक, अभी की जानकारी के मुताबिक हरेंद्र मलिक आगे चल रहे हैं, लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और राजनीति की ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर राकेश जी कही जा सकती है। आप देखिए, दोनों वैसे तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये देखिए नाश्ता पानी साथ करते हुए दिख रहे हैं। ये लगता है ये जो पहले, बहुत पहले जब राजनीति होती थी भारतीय राजनीति में, तो अक्सर इस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों साथ बैठते थे और उससे एक बड़ा सकारात्मक संदेश जाता था, कोई मनमुटाव नहीं होता था। पहली तस्वीर शायद इस आधुनिक भारत में, कहूँगा आधुनिक भारत में शायद पहली तस्वीर है जो मतगणना के दौरान दोनों विपक्षी दल साथ में बैठे। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा कि बलरामपुर गोंडा से नानाजी देशमुख जब चुनाव लड़े जनसंघ से, वो चुनाव जीत गए और वहाँ का राजा हार गया, तो उससे बोले कि मैं रहूँगा कहाँ, तो उन्होंने रहने के लिए जमीन दिया था हारा हुआ व्यक्ति। सबसे पहले आगे लगा सांसद जी, आप बढ़त बनाए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब महादेव की कृपा है, देवतुल जनता को धन्यवाद है, मोदी योगी जी के इस कार्यकाल में हमारे द्वारा जो सेवा हुई जनता की, जनता उसका प्रसाद दे रही है, विश्वास जता रही है सब लोगों के, पूरे गोरखपुर की देवतुल जनता के दिल से धन्यवाद। अभी तो अभी और आगे बढ़त और बढ़ी, हर हर महादेव। अब जिस इस तरह की जो है वो ओछी बातें करने का, उनको खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा किसी महिला के बारे में इस तरह की ओछी बातें करना, तो वो तो आज साफ हो रहा है। जिस तरह से हमें लीड मिली है, भारतीय जनता पार्टी को जो लीड मिली है मंडी क्षेत्र से, तो बेटियों का ये अपमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं है मंडी की जनता ने। और जहां तक मेरे मुंबई जाने का सवाल है, खैर मेरी तो ये जन्मभूमि है और मैं यहां लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगी। और जिस तरह से मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास है, उसमें मैंने हमेशा से कहा उनकी सेना बनकर काम करूंगी, तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। और हो सकता है किसी और को अपने बस्ते अब पैक करके है वो कहीं जाना पड़े, लेकिन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर।
राजकीय मंत्रोच्चारण के साथ बेचारी ईवीएम पर क्या दुख, पता है कितना रो रही थी ईवीएम। हमको सपने में आई थी, बोली मैं बड़ी दुखी हूँ, कांग्रेस जीतती है तो मैं अच्छी हूँ, बीजेपी जीतती है तो मैं बदनाम हो जाती हूँ। ईवीएम की इतनी हाय लगी कि लोगों को देखेगा बद्दुआ ले रहे हैं लोग ईवीएम की।